तो आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग नाश्ता। ये है सूजी के बॉल्स, इसे रवा बॉल्स भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लगते हैं। अगर कुछ यूनिक खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता कुकिंग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए सुचिता कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट रेसिपी डालूं सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें पानी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी लिया है। 1 कप सूजी के लिए 1.5 कप पानी परफेक्ट होता है। तो नमक 1 चम्मच यूज़ किया है मैंने, काली मिर्च का पाउडर, अदरक ग्रेट किया हुआ, और यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब पानी को उबाल आ गया है तो इसमें अब मैं सूजी ऐड कर देती हूँ। सूजी को अच्छे से हमें इसमें मिला लेना है। अब इस टाइम पे गैस को हमें बंद कर देना है। ये देखिए सूजी जो है वो अच्छे से हमने मिक्स की है। अब सूजी को हमें थोड़ा सा फूलने देना है। तो अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद इसे हमें निकाल लेना है। जब तक ये गर्म है तब तक ही हमें इसे गूंथना होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गूंथा नहीं जाता। तो हथेली के ऊपर थोड़ा सा घी लगा ले या ऑयल भी लगा सकते हैं आप, और इसे अच्छे से गूंथ ले। तो ये देखिए ये डो जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा नर्म मुलायम बन गया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। इसके बॉल्स बनाने में बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सारे बॉल्स हम बना लेते हैं। अब हम बॉल्स को स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए पानी उबलने के लिए रख दिया था मैंने। अब एक नेट के ऊपर इन बॉल्स को रख देते हैं और इसे ढक के 10 मिनट तक हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट तक हमने इसे स्टीम कर लिया है। अब इन बॉल्स को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए थोड़े से बॉल्स ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बाउंसी बने हैं ये। अब हम इन्हें तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, इसमें राई डाल दें, घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, जीरा डाल दें, थोड़े से मेथी दाने आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े से कड़वे लगते हैं। अब 1 पिंच हींग, यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च ली है, तिल, थोड़ी सी हल्दी। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब करी पत्ता डाल दें और थोड़ा सा मिक्स कर ले। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और चीनी डाल के इन सारी चीजों को मिक्स कर ले। इससे बहुत ही चटपटा और टेम्पटिंग बनता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल ऐड कर दें और अच्छे से इसे चला लें। ध्यान रहे यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है वो एकदम कम ही रखनी है हमें। अब इसमें सूजी के बॉल्स ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये बॉल्स बहुत ही सुपर टेस्टी लगते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी। अब लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे और इसे चला ले थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और इसे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे सूजी के बॉल्स बहुत ही चटपटे टेस्टी बनके रेडी हो गए हैं। अब इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं।
ये देखिए ये कितने बाउंसी बने हैं। तो कभी कभी हमें कुछ यूनिक खाने का मन होता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग रेसिपी है ये। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप खाओ, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लगते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।